जम्मू कश्मीर में नए वोटरों के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद से ही सियासी बवाल मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर में नए वोटरों के लिए जिला चुनाव कार्यालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक जम्मू जिले में जो भी शख्स एक साल से अधिक समय से रह रहा है वह अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकता है। अधिसूचना में कहा गया है कि नए वोटर बनवाने के लिए जरूरी कागजात, मसलन पिछले एक साल का गैस, बिजली और पानी कनेक्शन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक और जमीन के कागजात से अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है। हालांकि गैर स्थानीय लोगों को मतदान के अधिकार के लिए मात्र एक साल का मापदंड फिक्स करने के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा के कविंदर गुप्ता ने बताया कि विपक्षी दलों ने इस पर बहुत बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी बाहर के लोगों को जोड़ना चाहती है। ये बाहरी लोगों के बारे में नहीं है, जो कानून पूरे भारत के लिए है वही जम्मू कश्मीर के लिए भी है। केंद्र सरकार की ओर से किसी व्यक्ति या सुरक्षा बल को राज्य सरकार के पास भेजा जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को याद रखना चाहिए कि अब यहाँ आर्टिकल 370 मौजूद नहीं है। बीजेपी पहले भी जीत चुकी है, वोटों में थोड़ी बढ़ोतरी ज्यादा मायने रखेगी। विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है और खराब माहौल बनाना चाहता है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।